ऑल राइट फ्रेंड्स, आज शो की शुरुआत करते हैं टू व्हीलर से। मैं बात कर रही हूँ रॉयल एनफील्ड की हाल ही में लॉन्च हुई सुपर मीटियोर 650 की। जी हाँ, ये बाइक आफ्टर द सक्सेस ऑफ 350 सीसी बाइक अब एक बड़े इंजन के साथ आती है। एज द नेम सजेस्ट, 650 सीसी का यहाँ इंजन है। 3 डिफरेंट वेरियंट्स में ये कंपनी ने लॉन्च की है और इसकी शुरुआती कीमत 3.5 लाख रुपये से शुरू होती है। वेल, क्या है इस बाइक में खास, किस तरीके की परफॉर्मेंस है और अब हैवी ड्यूटी बाइक्स एक अफोर्डेबल प्राइस पर कैसे रॉयल एनफील्ड लेकर आ रहा है और क्या फीचर्स के साथ, ये दिखाते हैं। अक्षय गुगी ने इसका टेस्ट ड्राइव किया। हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिग्नेशन। मैं हूं अक्षय गुगे। रॉयल एनफील्ड एक ऐसा नाम है जो कई लोगों के लिए एक ड्रीम बाइक है और इसी कंपनी की ओर से हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई है सुपर मीटियोर 650, जो कि एक बिग साइज क्रूजर बाइक है। इससे पहले हमने मीटियोर 350 को देखा था और इसी बाइक को कुछ नए अपडेट के साथ और बड़े साइज के साथ कंपनी ने एज अ क्रूजर बाइक भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में वही इंजन मिलता है जिससे पहले हमने कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर में देखा था, और इसी 650 इंजन के साथ एक बिग साइज बाइक जो आप चाहते हो एज अ क्रूजर, आपको लॉन्ग राइड के वक्त एक प्रॉपर हैवी बाइक का फील प्रोवाइड करे, तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बाइक को कंपनी ने मार्केट में लाया है। तो चलिए देखते हैं और भी करीब से। सबसे पहले लुक्स एंड फीचर्स के मामले में इस गाड़ी में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। लुक्स की बात करें तो सुपर मीटियोर 650 एक प्रॉपर क्रूजर बाइक है जिसमें फॉरवर्ड सेट फुटपेग के साथ स्ट्रेच लुक देखने को मिलता है। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 बाइक में 43mm USD फ्रंट फोक्स और रियर में मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। वहीं ब्रेकिंग के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर ड्यूल चैनल ABS के साथ दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलता है। साथ ही इस बाइक में आपको मिलता है पुल बैक बी स्टाइल हैंडल बार विद मिरर, डीलक्स फुट पेग, सोलो फिनिशर, LED इंडिकेटर्स, मशीन व्हील, डीलक्स टूरिंग ड्यूल सीट, टूरिंग विंडस्क्रीन, पिलियन बैकरेस्ट, डीलक्स फुट पेग और लॉन्ग हॉल पैनियर जैसे कई एक्सेसरीज इसके लुक्स को 4 चांद लगाते हैं। इस बाइक में आपको 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा लगता है। साथ ही इस बाइक के सामने की ओर 19 इंच और पीछे की ओर 17 इंच के ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में एक ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जो कि कंपनी की ओर से एक नया और एडवांस फीचर है। सुपर मीटियोर 350 से कंपेयर करें तो इस बाइक को एक बड़ी क्रूजर बाइक बनाने के लिए इसे फिर से रिट्यून किया गया है, जिसमें इसके हेड और साइड पैनल के डिजाइन को नया लुक दिया गया है जो कि मैट ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ आता है। पावर की बात करें तो रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 में 650 पैरेलल ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 में देखने को मिलता है। ये 650 सीसी पैरेलल ट्विन एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन 47 BHP की पावर और 52 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6-speed गियरबॉक्स से जोड़ा है। परफॉर्मेंस में ये बाइक काफी शानदार है। एज अ क्रूजर बाइक ये आपको काफी जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट फील देती है। लंबे और चौड़े सिटिंग पोजीशन के साथ साथ आगे की ओर उठे हुए फुटपेग्स और कंफर्टेबल हैंडल बार इस मोटरसाइकिल को खास तौर पर लॉन्ग राइड के वक्त काफी आरामदायक राइडिंग का एक्सपीरियंस दिलाती है। इस बाइक का वजन 241 किलोग्राम का है, लेकिन लॉन्ग राइड के वक्त ये ज्यादा भारी आपको महसूस नहीं होती। हालांकि सिटी में चलाते वक्त ट्रैफिक में ये बाइक आपको ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं लगेगी, साथ ही इसका इंजन भी आपको ज्यादा हीटेड लगेगा। सस्पेंशन के लिहाज से ये बाइक काफी कंफर्टेबल आपको लगती है, लेकिन छोटे मोटे गड्ढे या सिटी के बम्प्स पर ये बाइक हैवी होने के कारण आपको झटका महसूस जरूर कराएगी। ये शानदार बाइक 3 वेरिएंट और कुल 7 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है।
कीमत की बात करें तो एक्स्ट्रल कलर स्कीम के साथ इसकी कीमत 3.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी गई है। वहीं इसके इंटरस्टेलर पेंट स्कीम की एक्स शोरूम कीमत 3.64 लाख रुपीस रखी गई है। और बात करें इसके तीसरे वेरिएंट यानी टूर वेरिएंट सेलेस्टियल पेंट स्कीम की, तो इसकी कीमत कंपनी ने 3.79 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी है। तो अगर आप भी लॉन्ग बाइक राइड के शौकीन हैं और एक ऐसी क्रूजर बाइक चाहते हैं जो दमदार इंजन के साथ आपको एक कंफर्टेबल जॉयफुल जर्नी का एक्सपीरियंस दिलाए, तो रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 आपके इन सभी चॉइसेस को पूरा करने में जरूर मदद करती है। हालांकि ये बाइक सिटी राइडिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन वीकेंड या छुट्टी के वक्त अगर आप एक लॉन्ग बाइक राइड का प्लान करते हैं और एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो एज अ क्रूजर बाइक आपको एक जॉयफुल राइड प्रोवाइड करे, तो ये बाइक आपको जरूर पसंद आ सकती है।